आज मैं आप लोग को एक आदमी के बारे में बताऊंगा जिसने रियल टाइम ट्रैवल मशीन बनाया है। तो 1995 में एक आदमी था जिसका नाम था माइक मार्कम और उसको माइक द मैडमैन भी कहते थे। उसने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से 6 ट्रांसफॉर्मर चुरा लिया था जिसकी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया था और जैसे वो बाहर निकला एक रेडियो वाले लोग ने उससे इंटरव्यू लिए थे। उसको पूछे कि क्यों चुराया था तो उसने बोला कि मैंने एक टाइम ट्रैवल मशीन बना लिया था जिसकी वजह से छोटे ऑब्जेक्ट यहाँ वहाँ जाते थे और मेरे को बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए ऐसा बड़ा चीज चाहता था। वो इंटरव्यू के बाद उसको एक अननोन नंबर से कॉल आया और लोग ने बोले कि तू चुरा मत बल्कि हम लोग तेको पैसा देंगे तू टाइम ट्रैवल इन्वेंट कर। ये पूरा इन्वेंशन कर लिया था। उसने इंटरव्यू में लास्ट में आके बोला भी था कि अभी मैं मेरे ऊपर टेस्ट करने वाला हूँ। और वो इंटरव्यू में उसने बोला था कि मैं मेरा सेलफोन लेके जाने वाला हूँ। बस वो इंटरव्यू उसका लास्ट था, उसके बाद से वो दिखा ही नहीं। उसके थोड़े टाइम बाद जैसे लोग न्यूज को देख रहे थे उसके अंदर देखे कि 1930s में एक आदमी मरा हुआ मिला था। उसके अंदर उसके पास एक फोन था, वो वही फोन था जो 1990s में मार्कम यूज करता था।